कोई भी व्रत मन से होता है। अगर मन गड़बड़ हो गया तो वो व्रत नहीं है। वो मातृ व्रत हो, पितृ व्रत हो, गुरु व्रत हो, भगवत व्रत हो, कोई व्रत हो, तो ये करवा चौथ पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है जो पति की भक्त होती हैं। और असली पति आत्मा का भगवान है, इसलिए श्री कृष्ण के प्रति आप लोगों को यदि इच्छा हो तो व्रत करो। व्रत का मतलब ये नहीं है कि खाना न खाना, ये तो ढोंग है, दंभ है, पाखंड है, दिखावा है। खाना न खाना एक दिन अच्छा है, पेट अच्छा हो जाएगा। एक टाइम न खाओ, दोनों टाइम न खाओ, खाली फल खाओ, फल भी न खाओ, ये सब तो बाहरी क्रियाएं हैं। असली व्रत है मन का चिंतन, मन का अनुकूल होना, मन से उनकी उपासना करना, सेवा करना, ये असली चीज है। तो करवा चौथ का ये अभिप्राय असली है, स्पिरिचुअल, उसी को मानकर आप लोग श्री कृष्ण भक्ति करें। ये संसारी पतिवती का मामला आपके व्रत करने से सब निरर्थक है। न पति की उम्र बढ़ेगी, न कल्याण होगा। आप चाहे 10-20 दिन भूखे रहें, उससे कुछ नहीं होना जाना।